अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नीलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इज रेसिपी विद नीलम। आज आपके साथ ट्रेंडिंग नाश्ता शेयर करने जा रही हूँ, जी हाँ, जो कि आजकल बहुत हिट हुआ और बहुत वायरल हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसको शेयर किया जाए। और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, सिर्फ 2 आलू और 4 अंडों से ये बन के तैयार होता है। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद आलू। आलू मैंने लेके अच्छी तरह से धो लिए थे, इसके बाद हम इनको छील लेंगे। कहाँ से वीडियो वॉच करते हैं लाजमी कॉमेंट में बताइएगा। और आलू जो है ना हमने दरमियाने साइज के लेने हैं, ना ज़्यादा हमने छोटे लेने हैं ना ज़्यादा बड़े आलू चाहिए हमें। इसके बाद इसको अच्छी तरह से छील लेंगे और इसके बाद हमने इनकी कटिंग करना है, जिस तरह से हमने पकौड़े वाले स्लाइसेस कट करते हैं ना छोटे छोटे पकौड़ों के लिए, इसी तरह से हमने इन आलुओं को कट कर लेना है। ना स्लाइसेस ज्यादा मोटे रखिएगा और ना ज्यादा पतले रखिएगा, बिल्कुल इसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे इसको। इसके बाद पैन में 4 खाने का चम्मच ऑयल डाल देंगे और इसमें आलू कटे हुए डालेंगे, मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसमें डाल देंगे नमक हस्बे जरूर आधा चाय का चम्मच। इसके बाद हम इसमें काली मिर्ची शामिल करेंगे 1/2 चाय का चम्मच और साथ में हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्ची पिसी हुई, वो भी 1/2 चाय का चम्मच ही हम यूज़ करेंगे, या हस्बे ज़रूरत आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें जो सारे मसाले ना आलुओं के साथ लग जाएं। और अब हमने इनको फ्राई करना है, तो सारे आलुओं को आपने फ्राई करना है, जो जुड़े होंगे ना इनको आपने निकाल लेना है और लाइट ब्राउन कलर आने तक आपने इनको फ्राई करना है। बिल्कुल इसी तरह से जब कलर आ जाएगा तो हम चूल्हा बंद कर देंगे और इनको उतार लेंगे। इसके बाद एक बाउल लेंगे और इनमें अंडे डाल देंगे, 4 अदद अंडे हम लेंगे और इसके बाद इसको विस्क की मदद से अच्छी तरह से फेंट लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सोर क्रीम। अब आप कहेंगे सोर क्रीम कहाँ से मिलेगी, ये मिलती तो बहुत मुश्किल से है, लेकिन टेट्रा पैक क्रीम लेके आप इसमें विनेगर यूज़ कर सकते हो, विनेगर मिक्स करके तो वो सोर क्रीम बन जाती है। इसके बाद इसके अलावा आप दही भी यूज़ कर सकते हो। तकरीबन 3 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है। इसके बाद हम हरा प्याज 1 अदद ले लेंगे और इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद हमने इनको इसी तरह से कट कर लेना है, छोटे छोटे पीसेस में कट करके हम इसको अंडों में डाल देंगे। इसके बाद हमें चाहिए जी टमाटर। टमाटर मैंने लिए हैं 3 अदद, आप चाहें तो कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी कर सकते हो। इसको स्लाइसेस में कट करके छोटे छोटे ब्रिक पीसेस में कट कर लेंगे, जिस तरह से हम ऑमलेट वाला अंडा बनाते हैं ना वैसे ही हमने इनको कटिंग करना है, जैसे हम प्याज और टमाटर कट करते हैं। इसको भी इसमें डाल देंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्ची 1/2 चाय का चम्मच और नमक डाल देंगे हस्बे ज़रूरत। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कहाँ से वीडियो वॉच करते हैं लाजमी कमेंट में भी बताएगा, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके बाद हमने इसका सारा मिक्सचर जो है ना आलू में डाल देना। इस वक्त ये आलू जो है ना सारे ठंडे हो चुके होंगे, इसको अच्छी तरह से फिला देंगे। इसके बाद चम्मच की मदद से सारे हमने अच्छी तरह से इनको फिला देना है और अच्छे से सेट कर देना है। इसके बाद चूल्हे के ऊपर रख देंगे और कवर कर देंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे मीडियम से लो फ्लेम पे रख के। तो 5 से 7 मिनट के बाद ये देखें जी, आपको अगर लगे ये साइडों से जुड़ा हुआ तो इसको आपने थोड़ा सा कर लेना है चम्मच की मदद से। इसके बाद इसी तरह से इसकी साइज चेंज करके पैन में इसी तरह से डाल देना है, इसको अच्छे से सेट करेंगे। इसके बाद मोज़रेला और चेडर चीज़ जो है ना इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर जी डालेंगे हरा धनिया कटा हुआ और वॉश किया हुआ, और इसको हमने कवर कर देना है 5 मिनट के लिए। हमने इसको मीडियम फ्लेम पर रख के इसी तरह से पका लेना है। तो ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा नाश्ता हो चुका है तैयार। लाजमी आपने इसको तैयार करना है, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है। आपके अगर अचानक मेहमान आ जाएं तो इनको भी ये खिला सकते हैं। इसके अलावा बच्चों को भी लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और इसको टिफ़िन बॉक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, हम कट करेंगे। अब जो बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक इसकी आई है, ये देखिए जी, हमारा ज़बरदस्त सा नाश्ता माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। इसको तैयार कीजिएगा और अगर पसंद आए लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।